हेलो गाइज, आज की वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कैसे आप लोग यूट्यूब स्टूडियो बना सकते हो, वो भी बहुत ही लो बजट के अंदर। और ये वीडियो टोटल तीन सेक्शन में डिवाइडेड होगा। पहला वीडियोग्राफी, मीन्स वीडियोग्राफी के लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या ऐसा करें बजट के अंदर जो कि हमारे स्टूडियो को अच्छा लुक दे और साथ में हमारा वीडियो भी बहुत अच्छा बने। एंड सेकेंड, ऑडियो, ऑडियो के लिए हम कौन सा माइक यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम होता है इको का, अगर आप रूम के अंदर शूट करते हो तो बहुत ही ज़्यादा इको होता है और आवाज़ गूंजता है, जिससे कि अगर आप वीडियो शूट करने के बाद जो आउटकम उसका होता है आप सेटिस्फाई नहीं होते उससे, तो उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, साउंड प्रूफिंग ऑप्शन है हमारे पास, तो वो कैसे करेंगे वो भी बजट में करना है। एंड थर्ड थिंग इज कि आपका बैकग्राउंड कैसा है। बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी वीडियो में। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप बैकग्राउंड कलर कौन सा सिलेक्ट किए हैं, बैकग्राउंड में क्या आप ऐसा डाल रहे हो जो अट्रैक्टिव आपके वीडियो को बना रहा है। तो ये सारा कुछ आज डिस्कस करेंगे, आपको दिखाएंगे कि अपने स्टूडियो के अंदर क्या क्या यूज किए हैं और उसका प्राइस क्या है और कहाँ अवेलेबल होगा ऑफलाइन या ऑनलाइन मार्केट में। मेरा कुछ प्रोडक्ट ऑफलाइन का भी मिला है और कुछ ऑनलाइन के भी है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कैसे यूट्यूब स्टूडियो बना सकते हैं बजट के अंदर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हम लाइट कौन सा यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी वीडियोग्राफी में। तो यहाँ पे हम जो स्टैंड यूज़ कर रहे हैं वो सिग्मा का है, और ये सिग्मा का स्टैंड जो है आपको अगर ऑफलाइन मार्केट या ऑनलाइन मार्केट लोगे तो अप्रॉक्स आपको 700 से 750 का रेंज में पड़ेगा। और यहाँ पे जो हम होल्डर यूज़ कर रहे हैं वो इफिन का है, तो ये होल्डर डबल होल्डर है। और ये यूज़ करने का मेन रीज़न ये था कि यहाँ पे लाइट बहुत कम है, एक्सटर्नल कोई भी सोर्स लाइट का नहीं है, हम नेचुरल लाइट पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है, आर्टिफिशियल पे ही है। तो यहाँ पे इफिन का डबल होल्डर ये आपको अप्रॉक्स 600 के आसपास मिलेगा, जिसमें कि दो होल्डर आपको मिल जाएगा। और लाइट का इंटेंसिटी को कम करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए सोनिया का अम्ब्रेला यूज़ कर रहे हैं, जो कि थोड़ा सा अगर आप जाओगे स्टूडियो में तो आपका हार्श लाइट आपके फेस पे नहीं आएगा, जिसकी वजह से बहुत सॉफ्ट लाइट आएगा और आपका वीडियो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो ये अप्रॉक्स 100 से 150 का ऑनलाइन ऑफलाइन दो जगह मिलेगा, ऐसे लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे ऑनलाइन का, फ्लिपकार्ट या अमेजोन जहाँ से हम परचेज किए सारा का। और साथ में यहाँ पे उस साइड पे भी हम एक और सेम सेटअप लगा रखे हैं, क्योंकि दो साइड से अगर लाइट पड़ता है तो जिससे कि आपका शैडो नहीं बनेगा। अगर सिंगल साइड से आप फ्रंट से लाइट डालते हो, फ्रंट से डालने पर आप बैकग्राउंड पे शैडो बन जाएगा, और दोनों साइड से अगर आप डालोगे तो आपका बिल्कुल भी कहीं भी शैडो नहीं आएगा और वीडियो बहुत ही प्यारा बन के निकलेगा। एंड दूसरी चीज़, हम वीडियो कहाँ से शूट करते हैं, मेरा कैमरा कहाँ होता है। तो एक्चुअली ये कैमरा से शूट हो रहा है, ये कैनन 200D Mark II है और 18-55 किट लेंस से हम शूट करते हैं, क्योंकि अभी कोई और लेंस हम नहीं यूज़ कर रहे हैं। और ये मेरा ट्राइपॉड कोडक का है जो कि T211 है, तो ये एक बजट के अंदर आता है ट्राइपॉड, और अप्रॉक्स आपको 1200 से 1300 के रेंज में ऑफर में मिल जाएगा और बहुत ही ड्यूरेबल होता है। आपका नॉर्मल जो भी इस रेंज का कैमरा होगा, इस वेट का, उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेगा। तो ये हम यूज़ अप्रॉक्स 1 साल से कर रहे हैं, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट रहा। तो इसका भी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे कि आखिर हम परचेज कहाँ से किए। इसके बाद आता है बैकग्राउंड, कि बैकग्राउंड में हम क्या यूज़ करें। तो बैकग्राउंड बहुत ही आप सोच समझ के यूज कर सकते हो अपने हिसाब से कि आपको कैसा पसंद है, और ज्यादा मींस बैकग्राउंड में बहुत कुछ नहीं डालना है जिससे कि बैकग्राउंड आपका खराब हो जाएगा। बैकग्राउंड को जितना ज्यादा आप सिंपल रखो उतना अच्छा होगा आपके लिए। एक्चुअली जो मेरा बैकग्राउंड है ये सिलेक्ट करने में बहुत टाइम लगा था कि आखिर बैकग्राउंड कलर कौन सा था। तो पहले जो मेरे रूम का कलर था वो पीला कलर का था, तो बहुत ही डल कलर होता है। आप वैसे भी बैकग्राउंड पे वीडियो अगर शूट करोगे तो बहुत ही गंदा वीडियो बनेगा, तो इसके लिए हम स्मोकी ग्रे कलर सेलेक्ट किए, जो कि मेरा ही कॉम्बिनेशन था। एक्चुअल में हम डिसाइड किए कि कैसा कलर अच्छा होगा हमारे स्टूडियो के लिए, तो स्मोकी कलर था और वाटरप्रूफ कलर है, तो ये खुद ही हम पेंट किए थे। अप्रॉक्स आपको 400 से 450 का डब्बा मिलेगा और ब्रश से हम खुद ही सारा पेंट किए। और इसका अगर वीडियो देखना है कि कैसे हम अपने स्टूडियो को प्रिपेयर किए थे पूरा प्रोसेस को, तो आप मेरा ब्लॉगिंग चैनल पर जाके देख सकते हो, वहाँ पे आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा कैसे हम अपने स्टूडियो को बनाए थे। तो उसके बाद जो पूरा वॉल था खाली खाली लग रहा था, तो मज़ा नहीं आ रहा था वीडियो में। तो उसके बाद हम ये स्लिप सेलेक्ट किए जो कि हेक्सागोनल शेप का था। पर्सनली ये मुझे बहुत पसंद है, स्क्वायर या रेक्टेंगल वाला मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, तो ये कलर था। और इसका कलर हम बहुत ही सिंपल सेलेक्ट किए, ब्लू और वाइट का कॉम्बिनेशन था, जो कि मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। तो और इसके बाद ये स्लिप्स पूरा खाली लग रहा था। ये स्लिप्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, अप्रॉक्स 1000 से 1200 के रेंज में आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, और ऑफलाइन भी मार्केट आप पता कर सकते हो, मे बी आपके मार्केट में उससे कम में अवेलेबल हो जाए। इसके बाद ये पूरा स्लिप्स खाली लग रहा था, इसके लिए हम कुछ डेकोरेशन के लिए कुछ यहाँ पे सेलेक्ट किए थे। तो फर्स्ट था ये, हमने पेयर दो सेलेक्ट किया था किट्टी का, ये पेयर हम ऑफलाइन लिए थे मार्केट से, और बिलीव नहीं करोगे ये सच में मुझे नहीं लगा था इतना कम का पड़ेगा। मुझे अप्रॉक्स 500 का ये पड़ा था दोनों पेयर,
मतलब दोनों 500 का पड़ा था और बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा लुक देता है स्टूडियो के अंदर। तो हम इसको एक यहाँ पे रखे थे और साथ में दूसरे को यहाँ पे, और इसके बाद और भी स्लिप्स को भरना था, उसके लिए हम इसको भी पेयर में खरीदे थे। ये सिंपल है बट प्यारा लग रहा था, और इसमें मिट्टी डाल के हम प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं, तो थोड़ा सा और प्यारा लगेगा। आप इतना केयर कर पाते हो तो इसमें आप मिट्टी डाल सकते हो। और ये जो पेयर था 150 रुपये का पड़ा था और लुक वाइज बहुत ही प्यारा है। इसके बाद तीसरा जो चीज़ आता है, तो ये था प्लांट मैंने दो खरीदा, एक ग्रीन कलर का एक वायलेट कलर का। तो ये भी मैंने ऑफलाइन मार्केट, अपना जो नियर बाय मेरा मार्केट था वहीं से खरीदा था। तो ये मुझे 100 का पेयर मिल गया, जो कि मुझे एक बहुत अच्छा डील लगा। और तीसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टूडियो में, जिनको मतलब हर बार आने से पहले, वीडियो शूट करने से पहले एक बार उनको याद करते, उनको उनके सामने हाथ जोड़ते, गणपति बप्पा हमारे, तो ये बहुत ही स्टूडियो को बहुत ही प्यार लुक देते हैं। और ये हैंडीक्राफ्ट है, एक्चुअल में हम ये पैसिफिक मॉल देहरादून से खरीदे थे क्योंकि मेरा नियर बाय मार्केट यही है। तो बहुत अच्छा लगा था सच में, और इतना प्यारा है ना। और ये जो मुझे पड़ा था वो 350 का पड़ा था। तो बहुत मतलब हैंडीक्राफ्ट चीज़ अगर आपको इस रेंज में मिलता है तो बहुत ही अच्छा है और लुक बहुत अच्छा देता है। इसके ऊपर जो लाइटनिंग है वो मीन्स जुगाड़ है, आप समझ लो। आप लोग मार्केट में देखते हो बलून के ऊपर एक लाइट लगा होता है, तो ही लाइट का पूरा सेटअप निकाल के हम यहाँ पे इसको सेट कर दिए, जो कि गणपति बप्पा को और भी अच्छा लुक देता है। स्टूडियो के अंदर जो भी कुछ हमने लगाया वो सारा कुछ आर्टिफिशियल था, तो यहाँ पे एक हमने नेचुरल प्लांट लाया जो कि मुझे बहुत पसंद है, थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्स देता है। और ये जो प्लांट है इंडोर प्लांट है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। और इसके साथ मैंने पॉट भी अपने हिसाब से वाइट कलर का पॉट खरीदा था। और ये जो पूरा पड़ा प्लांट के साथ, ये आपका कहीं भी जो आसपास का नर्सरी होगा उसमें मिल जाएगा। और ये प्लांट मुझे पड़ा था 250 का, और इसका पॉट था वो भी अप्रॉक्स 250-300 का पड़ा था। और ये थोड़ा सा एस्थेटिक लुक देता है और अच्छा सा लगता है, थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्स आता है अगर रूम के अंदर ये होता है तो। और यहाँ पे एक चीज़ हम और यूज़ किए हैं, जो कि ये लाइट है। तो ये लाइट एक्चुअल में काम करता है ये कि अगर प्लांट पे तो ब्लूइश थोड़ा सा शेड देता है, जो कि और भी प्यारा लगता है। उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे स्टूडियो के अंदर, वो हमारा टेबल, जो कि मे भी मेरे हिसाब से सेटिस्फाइंग नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे अलग सा टेबल पसंद है, बड़ा सा टेबल पसंद है। ये अभी के हिसाब से सही है क्योंकि बजट के अंदर है। और ये हमारा लैपटॉप जिसपे हम एडिटिंग करते हैं, HP का लैपटॉप है। और ये टेबल आपको मार्केट में 700-800 के रेंज में मिल जाएगा, क्योंकि नॉर्मल प्लाई का टेबल है। इसको लोग बोर्ड भी कहते हैं, प्लाई नहीं एक्चुअली बोर्ड है, तो उसका टेबल है। तो अभी के लिए ये सही होगा आपके स्टूडियो में, अगर आप बजट में स्टूडियो बनाना चाहते हो और बिगनर हो तो। यहाँ पे हम अपने स्टूडियो के अंदर मैट भी यूज़ किए हैं, जो कि ये रहा ग्रीन कलर का मैट है। तो ये एक्चुअल में थोड़ा ठंडे के दिन में आपको अच्छा फील करवाएगा। अब जब आप वीडियो शूट करते रहोगे, खड़ा होगे, तो उस टाइम पर थोड़ा सा रिलैक्स आपको फील करवाएगा और साथ में एक अच्छा सा लुक भी देगा स्टूडियो का। तो ये हम ऑफलाइन मार्केट से लिए, और ये स्टूडियो के साइज से हम लिए। इसका प्राइस मुझे 750 पड़ा था। तो ये आपको पर मीटर के हिसाब से मार्केट में अवेलेबल होगा, ऑफलाइन मार्केट में आराम से आपको ये मिल जाएगा। और ये सारा कुछ के बाद एक चीज़ और आता है एक थंबनेल के लिए, और स्टूडियो के साथ साथ एक दूसरा स्टूडियो भी हमें चाहिए था। मीन्स कुछ वीडियो हम वहाँ पर शूट करें और कुछ यहाँ पे करें, मतलब चेंजेस हमें पसंद है। कुछ के लिए हम ये बैकग्राउंड रिसेंटली बनाए, और ये बैकग्राउंड क्लॉथ है जिसको आप ब्लैक स्क्रीन कह सकते हो। तो ये मार्केट में बहुत ही ईजिली अवेलेबल होता है ऑनलाइन ऑफलाइन, और 400 से लेके महंगा तो बहुत ऊपर तक जाता है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा स्टार्टिंग में, अगर आप बिगिनर हो तो आप नॉर्मल रेंज का ही लो, 400-500 के रेंज में आपको कहीं भी ऑफलाइन या ऑनलाइन मार्केट में मिलेगा। तो ये दो पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट वीडियो शूट के लिए एंड सेकंड जो है वो थंबनेल के लिए। थंबनेल के लिए मतलब प्लेन बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा होता है, मे बी इस पे थंबनेल उतना अच्छा ना आए जितना इस पे आए। एंड जो लास्ट थिंग आता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडियो के अंदर, वो ऑडियो। ऑडियो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वीडियो के अंदर, और खास करके जब आप इंडोर में शूट करते हो या फिर आउटडोर में तो प्रॉब्लम होता है, इंडोर में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है इको का। तो इसको करने के लिए हम एक जुगाड़ लगाए हैं, जिसको आप जुगाड़ ही कह सकते हो, क्योंकि अगर आप प्रॉपर इको को कम करने के लिए अगर फोम खरीदोगे एकोस्टिक फोम, तो बहुत ही महंगा पड़ेगा और आपका बजट हिल जाएगा। तो उसके लिए हम नॉर्मल फोम का यूज़ किए, जो कि पूरे रूम के अंदर हम लगाए हैं। और ये नॉर्मल फोम वो है जो कि आप यहाँ पे लोग सोफ़ा के अंदर या फिर मैट्रेस ये सब बनाते हैं नॉर्मल यूज़ के लिए, उसमें यूज़ करते हैं। तो ये फोम हम पूरे रूम के अंदर लगाएं, और नॉर्मल ये आपको मार्केट में 180 रुपीज़ का मिलेगा पर पीस।
तो मुझे भी 180 का पर पीस पड़ा है और ये बहुत ही अच्छा काम करता है। लिटरली बताऊँ तो मुझे इतना भरोसा नहीं था कि इतना अच्छा ये परफॉर्म करेगा। मतलब मेरे रूम के अंदर पूरा खाली रूम था, इसके वजह से ईगो बहुत ज़्यादा था। तो ये पूरे रूम के अंदर हम लगाएं, 180 का पड़ेगा। साथ में इसके साथ ग्लू ले सकते हो और ग्लू से इसको पूरे रूम के अंदर आप चिपकाओगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मे बी उतना अच्छा एकॉस्टिक फोम के इतना अच्छा रिजल्ट ना मिले, बट बिगिनर के हिसाब से आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे भी लगा हुआ है जो कि ब्लैक स्क्रीन से ढका हुआ है अंदर। एंड माइक हम लैपलियर माइक यूज़ कर रहे हैं जो कि वायर्ड होता है। तो इसका दो फायदा है, पहले कि आपसे कितना भी दूर कैमरा है तो वायर आपका बहुत लंबा होता है तो वहाँ से आप इजिली रिकॉर्ड कर सकते हो ऑडियो। सेकेंड थिंग कि अगर आप यहाँ पर कॉलर माइक को लगाते हो तो ये जो एरिया है जितना दूर आपका नॉर्मल ये एरिया है उसी का ऑडियो को अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करता है, बाकी साइड का ऑडियो को बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करता है। दूर में अगर कुछ बैकग्राउंड नॉइज़ भी हो तो उसको इग्नोर करता है और इस रेंज का ऑडियो रिकॉर्ड करके ये आपको आउटकम देता है। ये वीडियो में मैंने जो सारा कुछ आप लोगों को दिखाया मैंने खुद ही डिसाइड किया था कि कहाँ पे कौन सा चीज़ करना है और कौन सा चीज़ परफेक्टली वर्क करेगा, कलर से लेके लाइट और सारा जो भी बैकग्राउंड आपको दिख रहा है वो सारा कुछ। तो होप सो आप लोगों को मेरा स्टूडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हर चीज़ को बजट में किया जा सकता है। अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो आप लोग लाइट के लिए सॉफ्ट बॉक्स भी खरीद सकते हो, बट वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा जो भी बिगनर है उनके लिए। तो उस केस में आप नॉर्मल जुगाड़ कर सकते हो। जुगाड़ क्या, आपको एक प्रोफेशनल टच ही मिलेगा वीडियो का अगर जुगाड़ भी करते हो तो भी। तो होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना कि आप लोगों का स्टूडियो कैसा लगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।